हेलो स्टूडेंट्स, तो जेई की डेट्स फाइनली आ गई और जो जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जनवरी लास्ट में है। अब इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स ट्वेल्थ अपीयरिंग है वो इस अटेम्प्ट को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। जो ड्रॉप आउट हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, ये उसका रीज़न है क्योंकि वो पिछले साल भी पढ़ चुके हैं और इस साल भी उनका प्रैक्टिस अच्छी हुई है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इस अटेम्प्ट में होती है उन स्टूडेंट्स को विच आर गोइंग टू अपीयर इन क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स, जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये जेई का एग्ज़ाम बोर्ड के पहले प्रॉब्लम कर सकता है और करता है। क्यों? अब उनके प्रैक्टिकल्स जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे जैन में, तो आपको सेल्फ स्टडी का टाइम उतना नहीं मिल पाएगा जो ड्रॉप आउट्स को मिलता है। तो आप इसको कैसे अटेम्प्ट यूटिलाइज करेंगे, इसको हम आपको अभी थोड़ा सा एक आउटलाइन देते हैं, आप प्रयास करिएगा। देखिए, जेई का जो एग्ज़ाम है मेन्स का, उसमें अगर हम लोग आउटलाइन बनाएं तो 60% 12th का सिलेबस और 40% 11th का, मोटे मोटे तौर पे ये दो पार्ट में होता है। तो 60% 12th का है और अभी आपने 12th रिसेंटली कवर किया है, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। 12th का अभी आपने नवंबर तक सिलेबस जनरली कंप्लीट किया होगा, दिसंबर में आपका पहला प्री बोर्ड हुआ होगा स्कूल्स में और जनवरी में जनरली सेकेंड होता है। तो मेरे कहने का मतलब अभी अभी लेटेस्ट आपने 12th का सिलेबस कवर किया है और लेटेस्ट करने का फायदा ये है आपको याद भी चीज़ें अभी ज़्यादा होंगी कि नहीं होंगी, एक बात। दूसरी बात, 11th का जो पोर्शन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वेव, जो कि कंपैरेटिवली इजी है, उन पोर्शंस को आप रिवाइज करें इस समय एक्स्ट्रा टाइम में। अभी आप मैकेनिक्स को बहुत ज़्यादा टच मत करें, क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स जो है थोड़ा सा टाइडी होता है, थोड़ा सा हेक्टिक वर्क है, उसमें डिफरेंट टाइप के केसेस बनते हैं, क्वेश्चंस की वैरायटी है, तो उसको अभी टच ना करें। अभी आप किसको टच करेंगे? अभी आप टच करेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव, आसान है, इसको आप आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इसमें फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी क्वेश्चंस की होती नहीं है, तो इसको आप करें। और बाकी 12th का तो अभी थॉरली आपने पढ़ा ही है, उसी को रिवाइज करें अच्छे से, तो ये आपको एक एडवांटेज मिलेगा जो ड्रॉपआउट्स को शायद ना मिले। क्योंकि जब ड्रॉपआउट बच्चा होता है तो उसका जो भी पैटर्न पढ़ाई का रहा हो, जिस कोचिंग्स में उसने ज्वाइन किया हो या सेल्फ स्टडी कर रहा हो सकता है उसने इस चीज़ को ध्यान ना दिया हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 60% 12th 40% 11th, ये जनरल आउटलाइन है जेई में। तो क्या करना है, 12th अभी आपने जो पढ़ा है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है, 11th में ज़्यादा फोकस मत करिएगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मेरा 11th वीक है या मैंने अभी 11th का रिवीजन नहीं किया, कैसे होगा? बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो आना ही ज़्यादा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 30 क्वेश्चन आने हैं, 5 आपको छोड़ने हैं, तो 5 की चॉइस भी आपके पास है। आप उन टॉपिक्स के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं जिनको आपने अटेम्प्ट ना किया हो, जिनको आपने रिवाइज ना किया हो, या आपको चॉइस मिल जाएगी, तो 5 क्वेश्चन की चॉइस तो आपके पास है। तो अगर आप 4-5 चैप्टर छोड़ भी देंगे 11th के, तो आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इन स्पाइट कि आपके बाकी चैप्टर तैयार हैं। अब ये नहीं कि बहुत सारे चैप्टर छोड़ के चले जाओ, फिर को सर ने कहा था भाई कि छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो होता है लेकिन चॉइस है, तो वो 5 क्वेश्चन हम छोड़ भी सकते हैं, उन चैप्टर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं जो इस समय हेक्टिक है या उनको करने में हमें ज़्यादा टाइम चाहिए। इसलिए मैंने क्या बोला, 12th का बढ़िया से रिवाइज पहले कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ क्या कर लेना है आपको, 11th में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव जनरली वेव ऑप्टिक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है 12th में, तो वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड पूरा वेव का कॉन्सेप्ट भी है थोड़ा बहुत, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 पोर्शन लास्ट के रिवाइज कर लीजिए 11th के, और 12th का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के और सेमीकंडक्टर तक जितना मैक्सिमम कर सकते। सेमीकंडक्टर में इस बार सिलेबस में डायोड तक का पोर्शन है बोर्ड्स में, तो उम्मीद है कि जो जेई है उसमें भी डायोड तक को ही ये लोग कवर करेंगे, उसके आगे ट्रांजिस्टर
नहीं देंगे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आना चाहिए, तो लॉजिक गेट्स तो जरूर पढ़ लीजिएगा, ये ध्यान रखिए। ओके, बाकी रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन आता ही आता है, एटम का क्वेश्चन एक आना ही आना है, फोटोइलेक्ट्रिक का आना ही आना है, उसमें कहीं कोई आपको डाउट नहीं कि नहीं मिलेंगे, तो ये क्वेश्चंस तो 100% आने हैं। क्लियर है कि नहीं? तो क्या करना है भाई, 12th पर फोकस करना है, 11th पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ लास्ट के दो जो यूनिट्स हैं, दो टॉपिक्स हैं, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स एंड वेव एंड ऑक्सीलेशन, इतना रिविज़न कर लेंगे। इसके लिए वीडियोज़ भी हमारे पड़े हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हैं रिविज़न के लिए, अदरवाइज आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इन चैप्टर्स के आप रिवीजन के वीडियो डाल दीजिए, हम उनको डाल भी देंगे, तो आपके लिए एग्जाम टाइम में बेटर रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।